दोस्तों, फिजिकल फीचर पे सीधा जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की सब की लोकेशन याद कर लीजिए और जानिए कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की लिस्ट क्या है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, साइप्रस, लेबनान, इज़राइल, फ़लस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतार, बहरीन आते हैं। मैं चाहता हूँ आप इन सब की लोकेशन याद कर लें मैं एक बार वीडियो रोककर, ताकि आपको आगे वीडियो में वेस्ट एशिया के फिजिकल फीचर्स समझने में आसानी हो। थैंक यू। अब सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वेस्टर्न एशिया की माउंटेन रेंजेस के बारे में। दोस्तों अगर हम अफगानिस्तान आप देख आप अफगानिस्तान की लोकेशन आपको याद होगी होगी, अफगानिस्तान के ऊपर ना तजिकिस्तान है, वहाँ पे होता है पमीर नोड, वहाँ से ना दो तीन माउंटेन रेंजेस निकलती है। एक है हिंदू कुश जो शुरू होती ख़त्म हो जाती है, उसके बाद एक होती है अफगानिस्तान के नॉर्थ में पैरो पेमिसस रेंज और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे सुलेमान रेंज, ये दोनों आगे निकलती हैं और अफगानिस्तान को सराउंड करती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। उसके बाद सुलेमान रेंज जाके मकरान रेंज बन जाती है ईरान में जाकर, ईरान में आगे जाके ये जेग्रोस रेंज बन जाती है, ऊपर से पैरो पेमिसस रेंज, ऊपर से कॉपेडेक माउंटेन रेंज बनती है, फिर ऊपर से एल्ब्रस बन जाती है, और उसके बाद ये एल्ब्रस और जेग्रोस आगे जाके मिलते हैं जहाँ पे आर्मेनियन नॉट बनता है, और उसके बाद आर्मेनियन नॉट के आगे टर्की में बनता है ना, तो टर्की के आगे ये टॉरस रेंज और पॉइंटिंग रेंज निकल जाती है जो टर्की को दो साइड से सराउंड करती है। उसके बाद दोस्तों ऊपर जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया में कॉकसस माउंटेन रेंज है। देखिए ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पे एक और रेंज भी है जिनका जाम कयान रेंज है, जिसको खोरासन रेंज भी बोल सकते हैं हम। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसराइल लेबनान वाली साइड बात करें, तो वहाँ पे सीरिया साइड नुसारिया हिल्स, लेबनान में लेबन हिल्स और इसराइल में जुदैया हिल्स। अगर जॉर्डन नदी के राइट साइड बात करें तो वहाँ पे जॉर्डन हिल्स और एंटी लेबनान हिल्स। उसके बाद दोस्तों सऊदी अरेबिया के वेस्टर्न साइड में हिजाज माउंटेन, असीर माउंटेन है, और यूएई और ओमान के उस साइड अल हजर माउंटेन्स हैं, और यमन में हरसरत माउंटेन्स, हजरत मोट माउंटेन्स, यमन में हजरत हरसरत माउंटेन और ओमान में अल हजर का थोड़ा पार्ट और दोफान माउंटेन का थोड़ा बहुत पार्ट। अब दोस्तों हम वेस्ट एशिया के प्लेट्यूज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो एंटोलिया और आर्मेनिया नॉट प्लेट्यू हैं उधर टर्की में, अफगानिस्तान का अफगानिस्तान सेंटर प्लेट्यू, ईरान का ईरानियन प्लेट्यू, और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे बलूचिस्तान प्लेट्यू, सऊदी अरेबिया का नजद प्लेट्यू। अब दोस्तों हम वेस्ट एशिया के डेजर्ट्स की बात करेंगे, बहुत डेजर्ट हैं यहाँ पे। सऊदी अरेबिया में देखिए कितने डेजर्ट हैं, रुबल अल खली डेजर्ट जो यूएई, ओमान और यमन के इलाकों में स्प्रेड होता है, फिर अल डना डेजर्ट, अल नफुट डेजर्ट, फिर जॉर्डन वगैरह के हिस्से में सीरियन डेजर्ट, और अपने ओमान का अल हरस डेजर्ट, ईरान में दो डेजर्ट हैं कवी डेजर्ट और लूट डेजर्ट, अफगानिस्तान का हेलमंड डेजर्ट, तो बहुत डेजर्ट भी बहुत से हैं। अब हम दोस्तों हम बात करेंगे वेस्ट एशिया के प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए ज़्यादा प्लेन्स तो नहीं है वेस्ट एशिया में, बट फिर भी अगर देखा जाए तो इराक और सीरिया में पड़ते हैं मेसोपोटामिया प्लेन्स, कॉकासस, ग्रेटर कॉकासस, लेसर कॉकासस बीच में अजरबैजान और जॉर्जिया के हिस्से में पड़ते हैं कूरा बेसिन प्लेन्स, और उसके बाद टर्की में एजियन प्लेन्स, थोड़े यमन के कोस्टल प्लेन्स, और ये इसराइल और जॉर्डन के बीच में हल्के से जॉर्डन रिवर प्लेन्स, बाकी कोई खास रिवर प्लेन है नहीं। और साइप्रस में थोड़ा सा वो एक आइलैंड है अलग सा। आपने अगर पहले लोकेशन वगैरह पे जिससे पहले मैंने मैप दिखाया था पॉलिटिकल, अगर उसको रोक के अगर आपने देखा होगा ना और याद की लोकेशन, फिर आपको ये फिजिकल फीचर भी बड़ी आसानी से याद हो गए होंगे। तो दोस्तों मेरे को आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।